हेलो मैडम, दैट्स माय कैब। क्या कहा? ये मेरी कैब है। नो वे, इन एवरी वे दैट्स माय कैब। सच कह रहा हूँ, इट्स माय फेवरेट कैब। नो, जरा कैब के नीचे देखो, मेरा नाम लिखा है राहुल, रूम नंबर 125। देखो सीसी, इस पे लेबल लगा हुआ है। देखो देखो, राहुल 125। इट्स माय कैब। क्या हुआ? मतलब वो वहाँ पर तुम थे? वहाँ पर क्या 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 तुम वही हो? हाँ मैं वही। कौन? अरे बोलो ना, कम ऑन। कुछ नहीं, थैंक यू। दरअसल एयरपोर्ट आते वक्त मेरी कैब खो गई थी। एक्चुअली तुम्हें शौक है ना गिरी हुई चीजें उठाने का, मैं वही कर रहा था। जरा अपना बैग दिखाना। मेरा बैग क्यों? यहाँ आते वक्त मेरी कोक की बॉटल खो गई थी, शायद वो भी तुमने उठा लियो। दिखा। I'm Priya. Hello Priya, this is Rahul. तुम्हारा नाम सुना लग रहा है। सुना होगा। है ना? हाँ, मेरे नाम का आंटी राहुल सॉफ्टवेयर है ना, मार्केट में वहीं पे सुना होगा। प्रिया, योर कॉफी। थैंक्स। तो तुम अपने भाई से मिलने हैदराबाद जा रही हो? उनसे बहुत प्यार करती हो क्या? बहुत ज्यादा। यात्री कृपया ध्यान दें, हैदराबाद का रनवे अभी भी बंद है, इसलिए उड़ान भरने में अभी देरी है। हम अपने सभी यात्रियों के लिए खान पान की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। यू नो व्हाट, गोवा 3 बार। अच्छा, 3 बार आई हो? प्लान बनाया था, तीनों बार कैंसिल हो गया, और अब चौथी बार मैं गोवा एयरपोर्ट पर बैठी हूँ लेकिन बाहर नहीं जा सकती। हे प्रिया, चीयर अप, इस बार तुम गोवा देखोगी, वो भी इस डैशिंग लड़के की वजह से जिसका नाम है राहुल। राहुल, राहुल। टैन टैन। ऐसा क्या करोगे? फिलहाल एक कॉल करूंगा। मेरा तो मन कर रहा है मैं ही तुमसे शादी करूं। हेलो, ओए हीरो, क्या कर रहा है? साले पूछता है क्या कर रहा है, मुझे पता था तू एक नंबर का कमीना इंसान है। अबे 2 घंटे बाद मेरी शादी है। तुझे फोन किया, SMS भेजा, ईमेल से इनविटेशन तक भेज दिया, लेकिन फिर भी तू भूल गया। ओह शिट, बेशर्म कहीं का, तुझे तो अपना दोस्त बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। हे, आज तारीख क्या है? 14th। ओ महीना सितंबर, साल भी बताऊं? नहीं नहीं नहीं, शिट, क्या हुआ? तू फोन रख और इसके बाद मेरा नंबर डिलीट कर दे। चुप कर यार, नाराज तो मुझे तुझसे होना चाहिए। ए, लोगों को बस शादी के लिए इनवाइट करेगा या मेहमानों को लेने किसी को एयरपोर्ट भेजेगा? क्या कहा, मतलब तू गोवा आ गया है? और नहीं तो क्या, तुझे लगता है मेरी हैदराबाद की फ्लाइट डाइवर्ट हुई इसलिए आया? राहुल, 6 मिनट, 6 मिनट रुक, 10 मिनट में कार भेजता हूँ, जल्दी भेज, फोन रख। ओ गॉड, एग्जाम की टेंशन में इसकी शादी भूल गया, जय आंटी होती तो मार डालती। थैंक गॉड। ओके प्रिया, चलो शादी में जाना है। शादी में? देखो मुझे तो शादी में जाना ही है, तुम यहाँ बैठी बैठी बोर हो जाओगी। और प्रिया, गोवा की शादियों में जलसा होता है और फ्री दारू। वैसे मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन तुम जितनी चाहो पी लेना, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना? चौथी बार गोवा देखने का तुम्हारा प्लान हिट होने वाला है मेरी वजह से। एंड आई प्रॉमिस यू अ वंडरफुल टाइम इन गोवा एंड बेस्ट बिहेवियर, आई प्रॉमिस यू। अब चलो। Trust me, come on. चलो यार। वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक्स यार, बाय। चलो ये क्या बात हुई,
दुल्हन का चेहरा भी नहीं देखा तूने और तू जाने की बात कर रहा है। बात मत कर मुझसे, तुझे लगा मैं तेरी शादी भूल गया? देखा प्रिया, हम कितनी प्रॉब्लम्स उठा के गोवा में सिर्फ इसकी शादी के लिए आए हैं। मैं कभी इसकी शादी भूल सकता हूँ? हाउ प्रिया, हाउ कैन यू से दैट टू मी? चलना यार राहुल, अभी माफ कर देना। नहीं जानता तेरी इस बात से मेरे दिल के अंदर एक बॉम्ब फूटा है। बूम। अबे गुस्सा थूक देना यार प्लीज, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। सॉरी यार, आई एम सो सॉरी राहुल, प्लीज। ठीक है, आज तेरी शादी है इसलिए तुझे माफ करता हूँ, ठीक है? चल चल अंदर चल, आजा दुल्हन देख ले। जरूरत नहीं है, जा जा जा, तू वापस चला जा। जया आंटी, नहीं नहीं नहीं, रहने दे। It's been so long. तुझे क्या लगा मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? जा जा वापस जा, खड़ा क्यों है? आंटी आप मुझे जाने को कह रही हैं? मैं यहाँ इसके लिए नहीं, आपके लिए आया आंटी। बस का पॉलिश करना कोई तुझसे सीखे तो वो नहीं सुधरेगा। सुधर के क्या करूँगा? ये लड़की कौन है? ये मेरी वाइफ है प्रिया। क्या तेरी वाइफ? तूने शादी कर ली बेटा? को लेके चल। बहुत खूबसूरत है ये, अचानक शादी कैसे? जीती रहो, सदा सुहागन रहो। कितनी सुंदर है, कहीं इसे मेरी नजर ना लग जाए। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। आपको क्या, इसे भी यकीन नहीं हो रहा है? देखिए कितने शौक में है। कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। मॉम को भी नहीं बताया आंटी? क्या आंटी, आंटी प्लीज आप ही उन्हें खबर दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। प्रिया डोंट वरी, आंटी फुल सपोर्ट करेगी, ओके ना? ओके आंटी। अब मैं समझी कि तू इसे यहाँ क्यों लेके आया है। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। अरे धूप में क्यों खड़ी हो, अंदर चलो। आ जाओ। अरे सुनो, देखो ये राहुल की वाइफ। आंटी एक मिनट, मुझे राहुल से कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है चलो आओ, बहुत सारे काम करने हैं। अरे सुन तो, मुझे अभी के अभी एयरपोर्ट जाना है। क्यों, क्या बात है? तुमने उस आंटी से ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? इतना ही ना, वो बाद में पता चलेगा क्यों। मुझे कुछ भी पता नहीं करना है। तुमने एयरपोर्ट पर क्या कहा था? कहा था कि तुम अच्छी तरह बिहेव करोगे। एयरपोर्ट पे और भी कुछ कहा था, गोवा में यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम कहा था ना। उसका मेरी प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन है? बस 10 मिनट के लिए रुक जाओ, पता चल जाएगा। अगर तब भी नहीं पता चला तो आंटी के पास जाकर उन्हें सब बता दो, ओके? जस्ट 1 आवर प्लीज प्रिया, बस 1 घंटा दो मुझे प्लीज यार, प्लीज। सिर्फ 10 मिनट्स, ओके? ओके 9:59 58, 57, 56। शादी बहुत जबरदस्त हो रही है जी। हाँ अंकल, क्या हुआ? आपको वहाँ बुला रहे हैं तो हम जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। आंटी व्हाट अ लवली साड़ी, क्या है ये? कॉटन ही है, बनारसी सिल्क। अच्छी है ना? अच्छी नहीं, झकास। डायमंड नेकलेस, सुपर्ब, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये जरूर आप ही ने डिजाइन किया होगा। पॉइंट पे आ। क्या पॉइंट आंटी, मैंने भी प्रिया के लिए कई गहने और साड़ियाँ खरीदी थी शादी के लिए, मगर हमारा लगेज मिसप्लेस हो गया, इसलिए अब क्या करूं? तो तू चाहता है तेरी बीवी इस शादी में सबसे अलग दिखे, यही ना? मेरी अमेजिंग आंटी, तू कभी नहीं सुधरेगा। प्रिया चलो तैयार हो जाओ। नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं सुनूंगी, तैयार तो होना पड़ेगा। कोई बात नहीं, शर्माओ मत, ये तुम्हारा मिनट बाकी है सब। आ जाओ। आंटी मैं मुझे कुछ नहीं कुछ कहना। चलो मैं अपनी बहू के लिए बहुत सारी साड़ियाँ और गहने लेकर आई हूँ। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। सुनूंगी तैयार होने के बाद। ये लो वो सब, ठीक है आंटी। ये देख ये कैसी आंटी, है एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बहुत अच्छी लगेगी तू, चल जल्दी से तैयार हो जाए। इडियट राहुल, तुम्हारी लव स्टोरी मैं बाद में सुनूंगी, पर उससे पहले तुमको मेरी एक बात सुननी होगी। तुम बहुत लकी हो प्रिया, राहुल बहुत अच्छा लड़का है। अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं उसकी शादी राहुल से ही करवाती। बात बात में मजाक करता है, पर जो उसका दिल है ना, प्यार से भरा हुआ है। सच कहूं तो वो खरा सोना है। राहुल को मैं अपने सगे बेटे जैसा मानती हूँ। जब मैं अपनी बहू के लिए गहने खरीदने गई थी ना, तो मैंने राहुल की होने वाली बीवी के लिए भी कुछ खरीदा था। चलो पहन लो इसको। नहीं आंटी, मैं ये कैसे पहन सकती? कहा ना पहनो, देखो देखो तुम्हें पसंद आएंगे। कैसे लगे? ओह माय गॉड, अच्छे है ना? और ये साड़ी देखो कैसी है, ये अच्छी लगी तुम्हें? अच्छा तुम कुछ कहने वाली थी ना? नहीं कुछ नहीं आंटी, बस यही कहना था कि राहुल हमेशा आपकी बात करते रहता है। जय आंटी सो ब्यूटीफुल, जय आंटी इज वंडरफुल। गोवा जाएंगे तो जय आंटी के पास जाके हम ये करेंगे वो करेंगे। ही लव्स मी सो मच। या एक्चुअली मुझे दिल्ली में बहुत ही जरूरी काम था, लेकिन हम गोवा में स्पेशली आप ही से मिलने के लिए आ गए। हाउ स्वीट।
ये साड़ी तुम पे बहुत जचेगी। तुम्हारे हाथों में बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू। अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसी मंडप में शादी कर लूं। वाह, क्या परी है यार। क्या मस्त चेहरा है यार। अबे चेहरा दिखता है कमर पे कमर। कैसी लग रही हूँ? लगता है तुम्हारी यहाँ पर सबसे अच्छी जमी है। हाँ तो यहाँ पर सब लोग मेरा इतना ख्याल जो रख रहे हैं। अगर मैंने बताया होता तुम मेरी फ्रेंड हो तो तुम्हें बैठने के लिए प्लास्टिक चेयर और पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक देते, तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, इसीलिए झूठ बोला। दैट इज राहुल। हेलो, तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है? या तुम्हारे झूठ की वजह से मेरी खातिरदारी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है यहाँ पर। मैंने जो झूठ बोला है उसकी वजह से जादू चला है। अच्छा, तुमने क्या बोला? तुमने सबसे कहा ना कि हम शादीशुदा हैं। तो मैंने सबसे ये कह दिया कि मैं 3 months प्रेग्नेंट हूँ। तुम सिर्फ सीधी दिखती हो लेकिन चालू हो। ये देखो। Hey, nice bangles. जया आंटी ने मुझे अपने हाथों से पहनाई है। अच्छा? तुम्हें एक अंदर की बात बताऊं? हुँ? जया आंटी ने ये बैंगल्स तुम्हारी होने वाली पत्नी के लिए ही खरीदी है। ओह, समझ गया। तो उतारो मेरी बैंगल्स मुझे दो। तुम्हारी बैंगल्स? हेलो, आंटी ने तुम्हें ये सोच के दिए हैं कि तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन मैं ही अपनी वाइफ को अपने हाथों से दूंगा। लाओ, दे दो। फुटो यहाँ से। देती हो या नहीं? चलो उतारो, लाओ लाओ, दे दो। ए, आंटी ने मुझे इसलिए दी है क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद करती है। अगर तुम्हें चाहिए तो जाकर जय आंटी से कहो, तुम्हें दूसरी खरीद कर दे देंगी। समझ गया। राहुल, तुमने आवाज सुनी? वेव्स। बीच पर चलो ना प्लीज। क्या बीच? रात को इस वक्त? इट्स सो लेट। देखो, इट्स 12:30। चलो ना, मुझे बीच पर जाना है। तुम चल रहे हो या मैं अकेली चली जाऊं? आ रहे हो? बात तो सुनो, मैं तुम्हें कल लेके जाऊंगा। इट्स राइट हियर राहुल, यही तो है पास। अरे बताइए, क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं अंकल, बीच पे जा रहे हैं। चलो चलो चलो। अरे प्रिया, तुम तो इसके साथ जिंदगी भर रहोगी, फिर कभी चले जाना। अभी तो हमारे साथ रहने दो। भतीजे, गोवा स्पेशल फैनी, आजा। अरे हाँ, मैं आता हूँ, लेकिन प्रिया, प्रिया, आजा, तुम चलो ना। प्रिया, बीच पे मत जाना। अरे उसे, वो कहाँ जा रही है? मत जाना। इसके साथ रहना है।